नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल्स वीएस एजुकेशन हब। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन डिस्कशंस करेंगे माय डियर एस्पिरेंट्स अपने जो भी लास्ट वीक यानी कि पिछले मंडे से सैटरडे तक यानी कि सोमवार से शनिवार तक जो भी करंट अफेयर रिलेटेड न्यूज पढ़ी थी राइट, उसके एमसीक्यूज अपन ने देखे थे। और सभी एमसीक्यूज एक पर्टिकुलर वीडियो में आपके रिविजन्स का सेशंस मैंने आज रखा है। ओके, तो सभी क्वेश्चंस एक साथ डिस्कशंस करेंगे। लगभग 60 प्लस टोटल्स आपके क्वेश्चंस रहेंगे। एक एक क्वेश्चंस इंग्लिश और हिंदी में रहेगा। ध्यान से देखिएगा, अच्छे क्वेश्चंस हैं 100%। आप कोई भी एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हो, बैंकिंग हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, कोई भी एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में देखने को आपको जरूर मिलेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा आपका कोई डाउट्स हो, कोई चीज़ आपको पूछनी हो, कोई चीज़ हो सकता है मेरी तरफ से कोई क्वेश्चंस गलत मैंने टाइप कर दिया हो, उसका ऑप्शंस मैंने गलत टाइप कर दिया हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का सेशंस। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम शो देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल्स को। अगर वीडियो अच्छा लगे, कुछ आपको लगे कि हेल्पफुल है, लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड अपने ऑल ओवर फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। ओके, स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। विच एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल योगा डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 21 जून 2020। ये एक पर्टिकुलर रिविजन सेशन से। ओके, मैं पहले ही बता देता हूँ, रिविजन सेशन से आपकी रिविजन के लिए एक सेशन मैंने तैयार किया है। थोड़ा वीडियो लेंथी यानी कि बड़ा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। क्वेश्चन सारे कवर होंगे आपकी ऑल ओवर वीक में जो अपन ने पढ़े हैं। ओके, विच एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल योगा डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 21 जून 2020। यानी कि 21 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कौन सा संस्करण बनाया जाता है। एक क्वेश्चन से आपके 4 से 5 क्वेश्चंस बनेंगे। कैसे बनेंगे आई टेल यू। देखिए पहला क्वेश्चन मैंने बताया है, 21 जून को जो योग दिवस बनाया जाता है उसका संस्करण कौन सा था जो बनाया गया था इस टाइम राइट। तो दैट इज द, ये इसका आंसर आपकी 6ठा संस्करण यानी कि 6th संस्करण या था जो कि आपके लेह में आयोजित होना था राइट। लेह में इसका सेंटर्स था, लेह में इसको आयोजित किया जाना था एक पर्टिकुलर वे। ओके, ये दो क्वेश्चंस आपके कवर हो गए। फर्स्ट डेट पूछ सकता है, सेकंड आपको पूछ सकता है कहाँ पर, थर्ड मैंने क्वेश्चंस बनाया कि कौन सा संस्करण है। और इससे रिलेटेड एक दो चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ पूरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में जो इस साल इम्पॉर्टेंट रही थी। देखिए द थीम रही थी योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, यानी कि स्वस्थ रहें, योगा है, योग है जो आपके स्वास्थ्य के लिए एंड घर पर भी योगा करें राइट। एंड देन फर्स्ट योगा डे कब सेलिब्रेटेड किया था, एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनता है। एसबीआई मेंस में बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको बता दूं, बैंकिंग मेंस में ऐसा क्वेश्चन बनाता है कि योगा डे जो 21 जून 2020 को बनाया गया था उसका एडिशन पूछ सकता है कि योगा डे जो 21 जून को बनाया जाता है कौन से ईयर में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। तो दैट इज़ द 2015। ये इम्पोर्टेंट मैंने इसलिए लिख दिया है एक ही स्लाइड में ताकि आप पीडीएफ पढ़ें आपको क्लियर हो सके। स्थान पूछ सकता है, देखिए फर्स्ट एडिशन न्यू दिल्ली में, सेकंड एडिशन चंडीगढ़ में, थर्ड एडिशन हुआ था लखनऊ में, लखनऊ उत्तर प्रदेश, फोर्थ एडिशन हुआ था आपका देहरादून यानी कि उत्तराखंड में, फिफ्थ एडिशन हुआ था आपका रांची झारखंड में, एंड सिक्स्थ एडिशन जो कि था आपकी लेह लद्दाख राइट। सिक्स्थ एडिशन 6ठा संस्करण था। अभी न्यूज देख लीजिए, इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल्स 2020 बिगिंस इन उत्तराखंड, जो कि उत्तराखंड में शुभारंभ किया गया था। उत्तराखंड की कैपिटल से देहरादून, त्रिवेंद्र सिंह रावत वहां की गवर्नर है, याद रखिएगा त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ की गवर्नर हैं। ओके, देहरादून यहाँ की कैपिटल से। अभी इन्होंने विंटर कैपिटल्स भी अनाउंसमेंट की थी, गियरसम राइट, गियरसम इनकी विंटर कैपिटल से। जिम कॉर्बेट, जो आपने नेशनल पार्क सुना ना, जिम कॉर्बेट
फ्लावर वैली, राइट। ये जो नेशनल पार्क है ना, जिम कॉर्बेट, आपने सुनते होंगे, यह उत्तराखंड स्टेट्स का ही है, अपने भारत का पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट। ओके, एक एलिफेंट के लिए, एलिफेंट पूरे पूरे एनिमल्स के लिए एक सेपरेट क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया, यानी कि अलग से सेंटर्स बनाया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को, राइट। एंड देन योगा के बारे में देखिए, माय लाइफ माय योगा वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट लॉन्च अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा माय लाइफ माय योगा। एंड फर्स्ट मुस्लिम्स योगा कैंप जो लॉन्च हुआ था, वह भी आपका उत्तराखंड में लॉन्च हुआ था। आई रिपीट अगेंस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल डे इज 21 जून, कौन सा एडिशन, सिक्स एडिशन, पहला एडिशन बनाया गया था इसका 2015 में, जो कि दिल्ली में था। इसकी थीम रही थी योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। पहले मुस्लिम्स योगा कैंप, जो पहली वर्ल्ड की मुस्लिम्स योगा कैंप है, वो आपकी उत्तराखंड में आयोजित की गई थी। क्लियर, समझ में आया यहाँ तक? इससे पर्टिकुलर क्वेश्चन से यही क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर, इसके अलावा एक भी क्वेश्चन नहीं बन सकता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आज के सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग द टॉप स्टेट इन द कंट्रीज टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू मैनी वर्कर्स अंडर मनरेगा। मनरेगा आपको मालूम है, मनरेगा के माध्यम से अलग अलग स्टेट्स अलग अलग अपने जो राज्य के लेबर्स हैं उनको रोजगार प्रदान करते हैं। लगभग 100 डेज का टोटल वर्क होता है, यानी कि 100 दिन आपको काम करना होता है, राइट। 100 दिन वहाँ पर वर्कर से लेबर से वो काम करती हैं। लगभग 200 रुपीज़ उनकी दिहाड़ी, यानी कि पर डे का उनको 200 रुपीज़ मिलता है, राइट। तो उसके बेसिस पे कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने श्रमिकों को रोजगार प्रदान के लिए शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश स्टेट ऐसा है जिसने श्रमिकों को रोजगार प्रदान के लिए पहला स्थान प्राप्त किया है, राइट। याद रखिएगा, योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर्स, की आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर, लखनऊ यहाँ की कैपिटल से, राज्यों की राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर से उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। ओके, याद रखिएगा, एग्जाम्स का पार्ट बन सकता है। दुधवा नेशनल पार्क आपने नाम सुना है, वो आपकी उत्तर प्रदेश में ही है, राइट, ये भी आप याद रखिएगा। युवा हब, ये स्कीम्स भी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई थी। क्लियर, ये पर्टिकुलर मैं स्टेट्स नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, 60 टोटल्स क्वेश्चन है प्लसेस। ओके, प्लीज ये भी आप वीडियोस देख लीजिएगा, मंडे टू सैटरडे मैंने एक एक स्टेट्स के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ओके, सेकंड देखिए, इंडिया बिकम द नॉन परमानेंट मेंबर, इंडिया है जो नॉन परमानेंट मेंबर बना है यूएनएससी, राइट, यूएनएससी फॉर टर्म्स फॉर द पीरियड ऑफ 21-22, यानी कि 2 सालों के लिए इंडिया को गैर स्थायी यूएनसी में, गैर स्थायी रूप में, यानी कि नॉन परमानेंट के रूप में सदस्य डिक्लेयर किया गया है। तो इसका टर्म्स कौन सा है, कितनी बार ऐसा काम हो चुका है कि इंडिया को नॉन परमानेंट मेंबर डिक्लेयर हुआ है? तो 7th, 8th, 9th, 10th। तो माय डियर फ्रेंड्स, यह 8वीं बार ऐसा पोजिशन से, 8वीं बार ऐसा हुआ है कि इंडिया को नॉन परमानेंट मेंबर्स के रूप में डिक्लेयर किया है। याद रखिएगा, यूएनसी में गैर स्थायी मेंबर, नॉन परमानेंट मेंबर, परमानेंट मेंबर। ओके, याद रखिएगा, इसमें 2 मेंबर्स होते हैं, नॉन परमानेंट और परमानेंट मेंबर, जिसमें रूस ने इंडिया के एक तरह से कह सकते हैं फेवर में आवाज उठाई है कि इंडिया को परमानेंट मेंबर के रूप में डिक्लेयर किया जा सके, माना जा सके, राइट। याद रखिएगा, यह भी चीज इंपॉर्टेंट है। ओके, न्यूज देख लीजिए, न्यूज की कटिंग्स देख लीजिए ताकि आपको पता चल सके। इंडिया कोशिश टू विन इन सिक्योरिटी काउंसिल पोल्स, उन्होंने पोल जीते हैं, 184 सीट्स जीती हैं, वोट्स हुए हैं 192 वोट्स में से, राइट। नेक्स्ट आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चंस, एक सेकंड, फोर्थ नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक पार्टनर विद जनरल सोम्पो लाइफ इंश्योरेंस टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस। निम्नलिखित में से किस बैंक ने स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए जनरल सोम्पो लाइफ इंश्योरेंस के साथ भागीदारी की है? कौन सी ऐसा बैंक है, कौन सा ऐसा बैंक है, प्लीज़ टेल मी। बहुत से क्वेश्चन मैं डिस्कशन कर चुका हूँ, प्लीज़ बताइए माई डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम होना चाहिए। वीडियो डेली देखिए, एवरी डे वीडियो अपलोड होता है, रेगुलर बेसिस पे वीडियो अपलोड होता है आपकी हेल्प के लिए।
ओके। तो नरेंद्र ये अब का था कर्नाटका बैंक, कर्नाटका के बैंक के साथ इन्होंने साझेदारी की है एक जनरल सोम्पो लाइफ इंश्योरेंस ने, कर्नाटका बैंक। इसका हेडक्वार्टर मैंगलोर कर्नाटका में स्थित है, राइट, याद रखिएगा, महाबलेश्वर MS, राइट, महाबलेश्वर MS इसके प्रेजिडेंट CEO है, राइट। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर येदुरप्पा है, येदुरप्पा वजूभाई वाला यहाँ पर गवर्नर है कर्नाटका के, ओके। कलकत्ता यहाँ की, बैंगलोर यहाँ की कैपिटल से, सॉरी फॉर दैट, बैंगलोर यहाँ की कैपिटल से कर्नाटका के, ओके। एंड कर्नाटका से 18th of June यानी कि 18 जून को मस्क डे के रूप में कर्नाटका स्टेट्स ने डिक्लेयर किया है, 18 जून, ये भी आप याद रखिएगा, ओके। ये देख लीजिए इसकी, ये इंपॉर्टेंट कटिंग्स थी फाइनेंशियल्स एक्सप्रेस की, जिससे मैंने क्वेश्चंस क्रिएट किया है। नेक्स्ट देखिए कुबुटबेक बोरोनोव को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया था, राइट। कुबुटबेक बोरोनोव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपॉइंटमेंट्स का क्वेश्चन है, किसकी देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया है, तो ये बने हैं किर्गिस्तान के राष्ट्रपति, राइट, किर्गिस्तान के ये राष्ट्रपति बने हैं, किर्गिस्तान के प्रेसिडेंट बने हैं, राइट। कुबुटबेक बोरोनोव, इसकी किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक है, शोम यहाँ पर करेंसी चलती है, याद रखिएगा, कुबुटबेक बोरोनोव इसको राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, यह भी आप याद रखिएगा, ये है कुबुटबेक बोरोनोव। और किन की जगह, ये देख लीजिए, मुखा मंदकलई अबलेगजे, राइट, ये इनका नाम है, इनकी जगह इनको नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा, ये है कुबुटबेक बोरोनोव, राइट। तो इसका आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट देखिए NIPFP, राइट, NIPFP के अध्यक्ष के रूप में आरबीआई के निम्नलिखित में से किस पूर्व राज्यपाल को नियुक्त किया है, आरबीआई ने किसको, आरबीआई टू अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ NIPFI, यानी कि पॉलिसी के बेसिस पे एक संस्थान काम करती है, पॉलिसीज, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, बैंक की पॉलिसीज, उसके बेसिस पे किसको चेयरमैन बनाए हैं, जो आरबीआई के गवर्नर थे, नन अदर देन आपकी उर्जित पटेल, राइट, उर्जित पटेल जो कि आरबीआई के गवर्नर थे, उनको इसका चेयरपर्सन बनाया है NIPFP, राइट, ओके। उर्जित पटेल 24th ऑफ गवर्नर थे आरबीआई के, राइट, यह भी आप याद रखिएगा, 25th थे, 25th हैं अभी जो इनकम्बेंट गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, 23rd गवर्नर थे रघुराम राजन, ये भी आप याद रखिएगा, एग्जाम्स में एकदम क्वेश्चंस बनता है कि उर्जित पटेल को NPFI के अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है, वह एक पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, तो क्वेश्चंस बनेगा कितने गवर्नर थे वह, राइट, तो वह थे 24th गवर्नर, तो सी। नेक्स्ट देखिए JSW Schmidt के ब्रांड एम्बेसडर्स के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया है, तो ननदंस ये नियुक्त किया है सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री, जो फुटबॉलर हैं सुनील छेत्री, इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करते हैं सुनील छेत्री, और सौरभ गांगुली जो BCCI प्रेसिडेंट हैं सौरभ गांगुली, राइट, उनको नियुक्त किया गया JSW Schmidt के ब्रांड एम्बेसडर्स के रूप में, ओके। नेक्स्ट देखिए मुकेश अंबानी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट मार्क करिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। मुकेश अंबानी अब दुनिया के top 10 अमीरों में शामिल है, उनकी नेटवर्थ कितनी है, उनकी नेटवर्थ क्या है, ये क्वेश्चन बनाया गया है। आपको मालूम होगा रिलायंस के ऑनर हैं, रिलायंस के मालिक हैं मुकेश अंबानी, उनकी संपत्ति के बारे में पूछा है, उनकी नेटवर्थ के बारे में पूछा है, तो 64.6 बिलियन डॉलर रुपीस इनकी नेटवर्थ है, एग्जाम्स का पार्ट बना हुआ क्वेश्चन है और बन भी सकता हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि लास्ट ईयर नेटवर्थ कम थी तो क्वेश्चन बना था, अब की बार नेटवर्थ क्वेश्चन जरूर बनेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स को फिगर्स याद नहीं रहते, वीडियो को आप बार बार देखेंगे, एवरी डे देखेंगे, तभी आपको अच्छे से याद होगा। नेक्स्ट देखिए वर्ल्ड बैंक रिसेंटली अप्रूव्ड $1.05 बिलियन टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फॉर जॉब्स एंड इकोनॉमिक रिकवरी, रिकवरी के लिए, इकोनॉमिक रिकवरी के लिए, जॉब जो गई है, रोजगार जो गया है, एम्प्लॉयमेंट जो गया है, उनको रिकवरी के लिए किस बैंक, किसको, किस देश को वर्ल्ड बैंक ने $1.05 बिलियन का लोन दिया है, तो ननगंज बांग्लादेश को, ओके, बांग्लादेश को ये लोन दिया गया है, याद रखिएगा,
एग्जाम्स का पार्ट बनेगा कि 1.05 अमाउंट भी याद रखिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्स में अमाउंट भी पूछ सकता है, आपको बैंक भी पूछ सकता है कि किस बैंक के माध्यम से 1.05 बिलियन डॉलर की बांग्लादेश को मंजूरी दी गई है, यह भी आपको पूछ सकता है। ओके, के आर सच्चिदानंद हु पास्ड अवे रिसेंटली, के आर सच्चिदानंद जिनका हाल ही में निधन हुआ उनका प्रोफेशन क्या था, राइट? तो वह एक डायरेक्टर थे, राइट, मलयालम डायरेक्टर थे के आर सच्चिदानंद, जो केरल से बिलोंग करते थे, यह भी आप याद रखिएगा। डायरेक्टर थे कि जो मलयालम से बिलोंग करते थे, कार्डियक अरेस्ट एक तरह से कह सकते हैं, जो बीमारी होती है हृदय के प्रति, राइट, उनकी वजह से उनकी निधन हो गया था, राइट। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट्स। क्लियर हुआ, समझ में आया यहाँ तक? टोटल 10 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए। अगर यहाँ तक समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कर दें। अगर आपका कोई डाउट्स हो कि हाँ सर मेरा ये डाउट्स है, नहीं समझ में आया, कोई चीज़ प्रॉब्लम हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए ये इसकी देख लीजिए कटिंग्स हैं यूज पीपल्स की। नेक्स्ट आ जाइए, इंडियाज इकॉनमी विल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट इट मीन्स नेगेटिव सेंस में, उसको लेस कर देना, नेगेटिव में चले जाना, बाई 20 बाई कितने परसेंटेज से इन 2021 एज पर द एस्टिमेशन ऑफ एशियंस डेवलपमेंट बैंक, यानी कि ADB एशियंस डेवलपमेंट बैंक इन इट्स रिपोर्टेड टाइटल्स एशियंस डेवलपमेंट आउटलुक। एक एशियंस डेवलपमेंट बैंक है जो एशियन डेवलपमेंट आउटलुक जारी करता है, इसमें अलग अलग देशों की ग्रोथ, जो कंट्रीज हैं उनकी ग्रोथ प्रेडिक्ट करता है एशियंस डेवलपमेंट बैंक, राइट। तो उसके आधार पर क्वेश्चंस बना है कि भारत की उसने कितनी ग्रोथ रेट फोरकास्ट की है माइनस में, राइट, ये क्वेश्चंस पूछा है। तो नदरवाइज माय डियर स्टूडेंट्स, ADB ने 4% ग्रोथ रेट फोरकास्ट की है, राइट। अभी अपन बहुत भी क्वेश्चंस और क्वेश्चंस पढ़ेंगे GDP से रिलेटेड, बहुत से ऐसे संस्थान हैं, बहुत सी ऐसी एक तरह से कह सकते हैं एजेंसीज हैं वो ग्रोथ रेट प्रेडिक्ट करती हैं। ओके, जैसे IMF हो गया, राइट, मैं आपको बताता चलूँ, SNP हो गया, SNP ने तो कल ही जारी कर दी थी 5%, SNP ने जारी कर दी थी माइनस में, राइट। IMF ने 4.5% जारी कर दी थी, राइट। मूडीज हो गई, राइट, मूडीज ने भी ग्रोथ रेट प्रेडिक्ट की थी 3.1%, राइट, याद रखिएगा। एंड अपनी इंडिया रेटिंग्स हैं, राइट, इंडिया रेटिंग्स हैं, उन्होंने भी फोरकास्ट पर ग्रोथ बताई थी 5.3%, ये भी आप याद रखिएगा। एग्जाम्स का पार्ट बना सकता है एग्जामिनर, तो प्लीज़ इस चीज़ को नोट करते चलिए, एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से देखते चलिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, मारुति सुजुकी MSI हैज कोलैबोरेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक टू ऑफर सिंपलर एंड फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग प्लान्स फॉर न्यू क्लाइंट्स। जो मारुति सुजुकी है, इन्होंने किस बैंक के साथ साझेदारी की है जो ग्राहकों को एक अच्छी सुविधा, एक अच्छी एकदम साधारण सिंपल वे में एक प्लान यानी कि योजनाएं पेश कर सके, किस बैंक के साथ इन्होंने ये चीज़ की है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यह बैंक है करूर वैश्य बैंक, यह भी आप याद रखिएगा, एग्जाम्स में क्वेश्चंस बना हुआ है, राइट, करूर वैश्य बैंक के बारे में कभी भी क्वेश्चंस पूछ सकता है कि ये करूर वैश्य बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, राइट। तो इसका हेडक्वार्टर है आपका तमिलनाडु में। ओके, 1916 इसका फाउंडेशन ईयर है, 1916 में इसका स्थापना हुई थी करूर वैश्य बैंक की, राइट, यह भी आप याद रखिएगा, एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछ सकता है। ओके, तो करूर वैश्य बैंक के साथ मारुति सुजुकी की साझेदारी हुई है ग्राहकों को अच्छी सुविधा प्रदान करने के लिए। ओके, ये देख लीजिए कटिंग है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस की कटिंग है, बैंकिंग एस्पिरेंट्स प्लीज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ध्यान से देखें। ओके, नेक्स्ट देखिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड टू प्रोवाइड फंड ऑफ 1829 फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन फॉर विच स्टेट, किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के तहत 1829
1,829 रुपए का फंड प्रदान करने की मंजूरी दी है। तो ये है आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र स्टेट के साथ। चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे बॉम्बे, भगत कोश्यारी, राइट, भगत कोश्यारी यहाँ के गवर्नर है, यह भी आप याद रखिएगा, राइट। शिव भोजनालय, राइट, यह महाराष्ट्र की स्कीम है, शिव भोजनालय याद रखिएगा, ओके। नेक्स्ट देखिए, द फोर्थ एडिशन ऑफ एशियन यूथ पैरा गेम्स टू बी हेल्ड इन विच ऑफ कंट्री, दिसंबर 21, 1 से 10 दिसंबर तक ये आयोजित होंगे, 1 to 10 दिसंबर तक ये आयोजित होंगे पैरा ओलंपिक गेम्स है जो एशियन यूथ है। वह क्वेश्चन मेरा ये है कि कहाँ आयोजित होंगे, तो ये आपके आयोजित होंगे बहरीन, मनामा, राइट, बहरीन में इसका आयोजन किया जाएगा। फर्स्ट है ये, एग्जाम्स का पार्ट बना सकता है एग्जामिनर, ओके। तो ये एडिशन पूछ सकता है कि चौथा संस्करण है कहाँ, बहरीन मनामा में, 1 से 10 दिसंबर तक ये आयोजित होंगी। कब पूछ सकता है, एशियन यूथ पैरा गेम्स की अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, कौन इसके अध्यक्ष हैं। हमारे रेस्पॉन्स माजिद रसीद इसके अध्यक्ष हैं, राइट। इसका हेडक्वार्टर है UAE जो कि आपके दुबई में है, इसका हेडक्वार्टर है आपकी एशियन यूथ पैरा गेम्स कमेटी का, ओके। ये इसकी कटिंग्स है, राइट, डी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, राजेंद्र गोयल जिनका निधन हो गया 77 ईयर की आयु में, वह एक प्रसिद्ध क्या थे, तो यह एक प्रसिद्ध क्रिकेटर थे, राइट, क्रिकेटर थे, यह क्रिकेट से बहुत बिलोंग करते थे, स्पिनर गेंदबाज थे, रणजी में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज थे राजेंद्र गोयल, राइट, याद रखिएगा यह चीज को। ये हरियाणा से बिलोंग करते थे, पूछे स्टेट्स तो हरियाणा, प्रोफेशंस मैंने पूछा है, क्रिकेट्स मैंने आपको बताया, नेम पूछे तो आप बता सकते हैं। ये देख लीजिए, ये इनकी कटिंग्स है और इमेज भी है कि पर्टिकुलर एक एक क्वेश्चन के साथ मैंने कटिंग्स लगाई है, न्यूज लगाई है, ताकि स्टूडेंट्स को क्वेश्चन याद नहीं रहता बट न्यूज ज्यादातर याद रह जाती है, ओके। नेक्स्ट देखिए, What amount of loan has been confirmed by the Asian Infrastructures AIB, Asian Infrastructures Investment Bank, right, for India to enable the legislature to fortify its fight against the antagonist effect of COVID-19 on poor and vulnerable household, right? अपनी लड़ाई को मजबूत करने के लिए एक कमजोर घरों, गरीब हो गए, जो गरीब वर्ग के हैं, कमजोर हो गए, राइट, उनके लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने कितने का लोन दिया है, तो दैट इज द माय डियर रेस्पॉन्स 750 मिलियन USD, यानी कि $750 मिलियन रुपीज का टोटल इन्होंने लोन दिया है, राइट, याद रखिएगा। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, राइट, इसका हेडक्वार्टर है माय डियर रेस्पॉन्स बीजिंग चाइना, राइट, जिन लिंकन है इसकी चेयरपर्सन, से याद रखिएगा, प्रेसिडेंट हो गए जिन लिंकन, ओके। इसकी कटिंग है, देख लीजिए, एआईबी एआईआईबी क्लियर 750 मिलियन लोन टू इंडिया फॉर कोविड-19। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गोइंग टू लॉन्च अ मैसिव रूरल पब्लिक वर्क स्कीम्स, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया, कितने स्टेट्स में यह शुरुआत होगी, तो ये होगी 6 स्टेट में, 6 राज्यों में इसकी शुरुआत की जाएगी, 6 राज्यों के 116 डिस्ट्रिक्ट में इसकी शुरुआत की जाएगी। इसकी ओपनिंग हुई थी बिहार स्टेट से, बिहार के खगड़िया जिले से, राइट, बिहार के खगड़िया जिले से इसका शुभारंभ किया जाएगा, राइट। 6 स्टेट मुख्य मैं आपको बता देता हूँ, बिहार, राजस्थान, यूपी, झारखंड, राइट, बिहार, राजस्थान, यूपी, झारखंड, उड़ीसा, राइट, ये 5 स्टेट हैं, और 1 स्टेट प्लीज टेल मी कमेंट बॉक्स में टाइप करें सर, 6ठा स्टेट ये है, ओके। टोटल्स 50,000 रुपीज करोड़ की ये टोटल्स स्कीम है, टोटल्स 50,000 करोड़ रुपीज, ये अमाउंट्स पूछ सकता है बैंकिंग एंड अवेयरनेस के क्वेश्चंस में, ये रोजगार, गरीब कल्याण रोजगार के माध्यम से कितनी अमाउंट्स दी गई है, तो माय डियर स्टूडेंट्स 50,000 करोड़ रुपीज, ओके। किस राज्य सरकार ने राज्य में बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की है, कौन सा ऐसा स्टेट है,
बाल श्रमिक विद्या योजना। तो फ्रेंड्स, ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने योजना शुरू की है। वाई? देखिए, उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल एंड श्रमिकों को रोजगार देने के माध्यम से, मनरेगा के माध्यम से पहला ऐसा स्टेट है। ओके, एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि एचआरडी मिनिस्टर यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर, हैज रिसेंटली लॉन्च्ड हिंदी मॉक फीचर्स ऑन एनडीए ऐप। व्हाट डज टी स्टैंड फॉर एनडीए? एनडीए में टी क्या है? राइट, एनडीए में टी क्या है? तो माय डियर फ्रेंड्स, एनडीए में टी है टेस्ट के बेसिस पे। और आपसे क्वेश्चन है, प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करें व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनडीए। एनडीए का पूरा नाम क्या है? टी का मतलब टेस्ट है, तो एन और ए का मतलब पूरा नाम बताइए कमेंट बॉक्स में। रमेश पोखरियाल निशंक ये उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, उत्तराखंड हरिद्वार इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ओके, विच स्टेट हैज इमर्ज ए चैंपियंस इन द प्रोक्योरमेंट फॉर ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस अंडर द मिनिमम सपोर्ट प्राइस एम फॉर एम एफ पी स्कीम्स? एम एफ पी स्कीम यानी कि योजना के अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत लघु वनोपज की खरीद में कौन सा राज्य एक चैंपियंस के रूप में उभरा है? तो ये उभरा है छत्तीसगढ़ स्टेट, छत्तीसगढ़। राइट, भूपेश बघेल जहाँ के चीफ मिनिस्टर से कि राइट, यह भी आप याद रखिएगा, गुरु घासीदास नेल्सन पार्क आपने सुना होगा, एग्जाम्स का क्वेश्चन था, तो यह भी आपकी छत्तीसगढ़ में ही है। ओके, नेक्स्ट देखिए, 21st नंबर क्वेश्चंस देखिए क्या कहता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च गरीब कल्याण योजना वीडियो कॉन्फ्रेंस विच डिस्ट्रिक्ट? मैंने अभी बताया था 50,000 करोड़ रुपीज की टोटल से स्कीम से बिहार के खगड़िया से यह ओपन होगी। राइट, इसकी शुरुआत की गई है बिहार के खगड़िया से। राइट, ओके, एंड 50,000 करोड़, 6 स्टेट्स है, 116 डिस्ट्रिक्ट है, 125 डेज का इसमें रोजगार होगा टोटल। ओके, 125 दिन लेबर्स को वहाँ पर काम करना होगा, कोई सड़क निर्माण हो गया, पुल निर्माण हो गया, गवर्नमेंट के जो टेंडर्स हो गए राइट उनमें। ओके, राजा प्रभा किस भारतीय स्टेट्स का फेस्टिवल्स है? तो यह उड़ीसा स्टेट का फेस्टिवल्स है, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नवीन पटनायक इसके चीफ मिनिस्टर हैं। ओके, गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं, भुवनेश्वर इसकी कैपिटल्स हैं। ओके, एंड आपके पेटा की तरफ से नवीन पटनायक को अवार्ड दिया गया है एनिमल्स के बेसिस पे। ओके, किस राज्य ने स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने के लिए पावर ग्रिड एंड EDCIs के साथ त्रिपक्षीय समझौते को हस्ताक्षर किए हैं? कौन सा ऐसा स्टेट है पावर ग्रिड एंड EDCIs को सेटअप करने के लिए, क्लासों को स्मार्ट बनाने के लिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए, क्लासों को स्मार्ट रूम्स कहने के लिए कौन सा स्टेट है इसमें पावर ग्रिड और EDCIs के साथ? तो यह स्टेट है ननदंस, राजस्थान की। राजस्थान ऐसा स्टेट है जिसने पावर ग्रिड और EDCIs के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर, ओके, सचिन पायलट डिप्टी CM, जयपुर यहाँ के कैपिटल, कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर, ओके, सरिस्का केवला देव, रणथंबोर राइट, रणथंबोर एंड डेजर्ट नेशनल पार्क, ये टोटल यहाँ के नेशनल पार्क इम्पॉर्टेंट है। ओके, रसोई इंदिरा रसोई योजना राइट, इंदिरा रसोई योजना यह राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। ओके, तो इसका आंसर बी होगा। उस कंपनी का नाम बताइए जिन्होंने 11 ट्रिलियन यानी कि $150 बिलियन राइट के रूप में बाजार में पूंजीकरण के लिए भारत की पहली हिट कंपनी बन गई है। तो ननदंस ये आपको मालूम है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसके ओनर है मुकेश अंबानी, उनकी नेटवर्थ थी $64.6 बिलियन रुपीज राइट, याद रखिएगा। प्रकाश जावड़ेकर ने कान फिल्म बाजार में यानी कि कान फिल्म फेस्टिवल जो मार्केट होता है 2020 में, उनमें उन्होंने इंडिया का वर्चुअल एक पवेलियंस का उद्घाटन किया है, जिसकी मेजबानी कौन करता है कान फिल्म फेस्टिवल्स की? नन ऑफ आपके मालूम है फ्रांस राइट, याद रखिएगा फ्रांस है जो इसकी मेजबानी करता है। क्वेश्चन पूछ सकता है किसने उद्घाटन किया था? तो प्रकाश जावड़ेकर।
मार्च 2020 तक किस राज्य ने मुद्रा ऋण के संबंध में भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? राइट, विच स्टेट हैज फर्स्ट पोजिशन इन इंडिया टू रेस्पेक्ट द मुद्रा लोन डिस्ट्रीब्यूशनमेंट, यानी कि मुद्रा लोन बांटने में किसने पहला स्थान? तमिलनाडु। सी इसका करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु। उस बैंक का नाम बताइए जिसने अफोर्ड प्लान के साथ मिलकर स्वास्थ्य कार्ड नामक सह ब्रांडेड हेल्थ कार्ड लॉन्च किया है। किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो ये आपका बैंक है यस बैंक। राइट, यस बैंक ने के साथ मिलकर इसके अफोर्ड प्लान के साथ मिलकर नामक सह ब्रांडेड हेल्थ कार्ड लॉन्च किया है। राइट, तो यह है यस बैंक के साथ। ओके, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। यस बैंक के चीफ है, प्रेजिडेंट है प्रशांत कुमार। राइट, यह क्वेश्चंस भी बना हुआ क्वेश्चंस हैं। ओके, एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज इसकी टैगलाइन है। राइट, एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज। एवरेस्ट नदीशिनी को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो यह चुना गया है बुरांडी के। राइट, बुरांडी के इसको इनको एक प्रेजिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है एवरेस्ट नदीशिनी को। डी इसका करेक्ट। किस राज्य सरकार ने राज्य के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले अकुशल श्रमिकों को 100 दिन का एक गारंटी प्रदान नौकरी के लिए गारंटी योजना शुरू की है? नौकरी गारंटी योजना। तो कौन सा स्टेट है? आपकी झारखंड। राइट, झारखंड ऐसा स्टेट है जिन्हें 100 दिवसीय 100 दिनों तक कार्य गारंटी प्रदान करने के लिए नौकरी गारंटी योजना शुरू की है झारखंड। झारखंड के चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन, जो कि 11वें मुख्यमंत्री रूप बने हैं। द्रौपदी मुर्मू यहाँ की गवर्नर है, याद रखिएगा। ओके, एग्जाम्स का पार्ट बना सकता है। ओके, झारखंड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। ओके, एंड एक क्वेश्चंस और बन सकता है माय डियर फ्रेंड्स, एक क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूँ। मेरे को झारखंड दिखते तुरंत याद आया है कि अभी झारखंड स्टेट्स को पहला GI टैग मिला है। राइट, एक पेंटिंग है, ये मैं आपको बता देता हूँ, उसका पेंटिंग का नाम बताइए माय डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में, कि उस पेंटिंग का क्या नाम है जो कि झारखंड स्टेट्स को पहला GI टैग मिला है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जो कि प्रख्यात व्यक्तित्व लक्ष्मण सिंह लेल, ये एक ऑब्जर्वरी है जिनका निधन हो गया। वह क्या थे? वह एक आर्मी मैन थे। राइट, आर्मी मैन। किस राज्य की सरकार ने गरीबों के लिए, अभी मैंने बताया था, इंदिरा रसोई योजना शुरू की है? तो राजस्थान की गवर्नमेंट ने। राइट, वीडियो इसके लिए कहता हूँ शुरू से लगाकर अंत तक जरूर देखें, तभी आपको सब चीज क्लियर होगी, अच्छे से क्लियर होगी, आपको अच्छे से समझ में आएगी। इसीलिए बार बार कहता हूँ मैं, कंटिन्यू देखना ही पड़ेगा GK के क्वेश्चंस, अगर आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं तो। बीच बीच में स्किप करके आप देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ भी याद नहीं रहेगा, कुछ फट एक तरह से कह सकते हैं एकदम हल्का हल्का आपको याद रहेगा। राइट, आप भूल सकते हैं। ओके, ये एक कटिंग्स थी न्यूज़पेपर्स द हिंदू की कटिंग्स थी, उसमें से क्वेश्चंस बनाया है। मूडीज के अनुसार कितनी है? अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ADB की मैंने फोरकास्ट ADB की बताई थी, उसमें मैंने बताया था मूडीज ने IMF ने कितनी फोरकास्ट की है, 3.1%। ओके, 4% आपकी ADB की है, एशियंस डेवलपमेंट बैंक, और 5% मैं अभी आपको बता गया हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, 5% एग्जाम्स का क्वेश्चन यह भी बना सकता है कि कितनी रेट फोरकास्ट की है। राइट, मूडीज ने आपकी, ये आपकी मूडीज ने फोरकास्ट की है। राइट, यह दिया IMF, राइट, IMF ने 4.5% ग्रोथ रेट फोरकास्ट की है, याद रखिएगा। S&P, राइट, S&P है जिसने 5% ग्रोथ फोरकास्ट की है। ओके, पूरा ऑल ओवर माइनस में है, कॉन्ट्रैक्ट की है 3.1%। आप देख सकते हैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस का आर्टिकल से, RBI has extended specially liquidity window for RBI ने जून 2020 में 3 महीने के लिए एक उनकी लिमिट बढ़ाई है। यस बैंक के लिए विशेष तरलता विंडो बढ़ा दी गई है। कितनी बढ़ाई है? और ये कर दी है 50,000 करोड़ रुपीज तक। ओके, यस बैंक के चीफ आपकी प्रेजिडेंट है प्रशांत कुमार। ओके,
who has been appointed head coach of the Uttarakhand Ranji team for the upcoming seasons. अपकमिंग सीजन के लिए रणजी की टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया है उत्तराखंड के? तो यह है वसीम जाफर को उत्तराखंड का हेड कोच के रूप में रणजी टीम का नियुक्त किया गया है। ओके, ये देख लीजिए कटिंग। प्रसिद्ध खिलाड़ी के रघुनाथन का हाल ही में निधन हो गया। रिसेंटली पास्ट अवे। ही वाज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? वह कौन से खेल से बिलोंग करते थे? यह सुपर इम्पोर्टेंट, यह क्वेश्चन छप गया हमारे डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चन यही क्वेश्चन बनेगा। वन सेकेंड, एग्जाम्स में एकदम डिट्टो क्वेश्चन बन सकता है कि यह क्वेश्चन के रघुनाथन, क्योंकि बास्केटबॉल के जो प्लेयर होते हैं उनका नाम ज्यादा हाइलाइट्स नहीं रहता, तो एग्जामिनर यही क्वेश्चन पूछता है। ओके, 20 का करेक्ट आंसर होगा। फॉर्मर हुपस्टर्स रघुनाथन पास अवे। विच ऑफ द फॉलोइंग द न्यूली लॉन्च्ड लोन प्रोडक्ट कर्नाटका बैंक फॉर एमएसएमई? एमएसएमई के लिए कर्नाटका बैंक का नया लॉन्च किया गया प्लान क्या है? एमएसएमई माइक्रो मित्र। ओके, एमएसएमई माइक्रो मित्र की कर्नाटका बैंक में अभी आपको बता क्या है। इसका हेडक्वार्टर मैंगलोर कर्नाटका में है। इसके चीफ है, इसके प्रेसिडेंट है महाबलेश्वर एमएस, राइट। किस आईआईटी ने ध्रुव नाम की एक चिप बनाई है जिसमें स्मार्टफोन से और नेविगेशन के उपकरणों का पता लगाया जा सके, वहां के जो मार्ग है, रास्ते हैं, राइट, उसके भीतर से? तो यह लॉन्च किया है आईआईटी बॉम्बे ने। चिप का नाम भी पूछ सकता है, ध्रुव नाम की एक चिप बनाई है जिसमें मोबाइल स्मार्टफोन और नेविगेशन उपकरणों में लगाया जा सकता है मार्गों को खोजने के लिए। ओके, जून 2020 तक किस राज्य को पीएम केयर्स फंड के सबसे बड़ा पीएम केयर्स फंड मिला था? तो महाराष्ट्र स्टेट से उनके माध्यम से पीएम केयर्स फंड में सबसे ज्यादा पैसे आए थे, राइट। भगत कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हैं, उद्धव ठाकरे यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, शिव भोजनालय यहाँ की स्कीम्स हैं। B2 नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम्स किस देश का है? तो नेदरलैंड्स, ये आपका है चाइना स्टेट्स का है B2 नेविगेशन सैटेलाइट। ओके, प्रसिद्ध खिलाड़ी पूर्णिमा झाजेन का हाल ही में जो निधन हुआ था, राइट, वह किस खेल से जुड़ी थी पूर्णिमा झाजेन, राइट? वह एक शूटिंग की प्लेयर थी। सी इसका करेक्ट आंसर, निशानेबाजी उनका प्रोफेशन था, उनका खेल था, राइट। निशानेबाजी यानी कि शूटिंग इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड एक तो खेलो एक तो पढ़ो जो योजना है, एक तो पहल शुरू की गई है, वह कौन से स्टेट ने शुरू की है? तो दैट इज द त्रिपुरा स्टेट्स। त्रिपुरा ऐसा राज्य है जिसने एक तो खेलो एक तो पढ़ो यानी खेलो थोड़ा अध्ययन थोड़ा, राइट, यह लॉन्च किया है त्रिपुरा की गवर्नमेंट ने। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर्स हैं विप्लव कुमार देव, रमेश बायस यहाँ की गवर्नर है, अगरतला यहाँ की कैपिटल से। क्लियर? देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है, कुछ भी लग रहा है कि हमारे लिए हेल्पफुल है, मेरी मेहनत लग रही है, सॉरी फॉर दैट, मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ लाइक बटन पर जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरा मोटिवेशन इंक्रीज हो। आप खुद देख सकते हैं कितना टाइम लगता है वीडियो क्रिएट करने में, बनाने में, क्वेश्चंस देख सकते हैं आप खुद, प्लीज़ कर दीजिएगा। ओके, आपका कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, झारखंड गवर्नमेंट प्लान्स टू लॉन्च 100 डेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स नेम्ड मुख्यमंत्री श्रमिक, उन्होंने लॉन्च की है। अभी मैंने आपको क्वेश्चंस बताया था, मेरा क्वेश्चंस है व्हाट इज द सीएम ऑफ झारखंड, मुख्यमंत्री का नाम बताइए। अच्छा क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस स्कीम्स लॉन्च की कोई था बट क्वेश्चंस बन गया मुख्यमंत्री बताइए। एग्जाम्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है 100 के, तो ये शुरू है। मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, 11वें मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है, राइट, ये अभी आप याद रखिएगा। इंडिया रेटिंग्स ने भारत की कितनी ग्रोथ रेट फोरकास्ट की है? इंडिया रेटिंग्स ने तुम्हारी रेस्टोरेंट्स में अभी बता के आया हूँ 5.3%। अगर आपने स्टार्टिंग से देखा है तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ईजी हैं, रिविजन्स के बेसिस पे आपको अब रट गया होगा। ओके, किस देश ने नाजी जर्मनी के खिलाफ उनकी जीत की 75 ईयर्स की वर्षगांठ के अवसर पर विजय दिवस पर परेड आयोजित की थी, राइट? तो वह थी
रशिया, रशिया की कैपिटल्स है मॉस्को, मॉस्को में ये आयोजित किया गया था। रशिया इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, कुशीनगर एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कुशीनगर एयरपोर्ट कहाँ स्थित है, स्टेट का क्वेश्चन है, नन अदर यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित है कुशीनगर एयरपोर्ट। ये क्यों हाईलाइट्स था, क्यों मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं इनको, अभी जो कैबिनेट्स हुई थी उसमें डिसीजंस लिया गया था कि कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट नियुक्त तो किया जाए, हाइट बनाया जाए, तो इसके बेसिस पे न्यूज में था, राइट। उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर। जोएल सोमाकर जिनका अभिनिधन हुआ है वह एक प्रसिद्ध क्या थे, क्या है, तो यह एक प्रसिद्ध माई डियर स्पेंस फिल्म डायरेक्टर थे, फिल्म का निर्माण करते थे, राइट, फिल्में बनाते थे, जोएल सोमाकर। ट्रेडिशनल न्यूर फेस्टिवल्स, आषाढ़ी बीज इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द स्टेट। कौन सी स्टेट, कौन से नववर्ष में आषाढ़ी बीज, पारंपरिक जो नववर्ष आषाढ़ी बीज त्योहार है, जो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो आपकी गुजरात में, राइट, आषाढ़ी बीज त्योहार के रूप में गुजरात में मनाया जाता है। विजयभाई रूपाणी यहाँ की चीफ मिनिस्टर, आचार्य देवव्रत यहाँ की गवर्नर है, याद रखिएगा, एग्जाम्स का पार्ट बना सकता है। ओके, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान छात्रों को शिक्षित करने के लिए रिलायंस जियो के जियो टीवी के साथ साझेदारी की है, किस राज्य सरकार ने, तो वह थी आपकी हरियाणा की गवर्नमेंट, हरियाणा की गवर्नमेंट ने, चीफ मिनिस्टर से मनोहर मनोहर लाल खट्टर, राइट। सत्यदेव नारायण आर्य, राइट, सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ की गवर्नर हैं, राइट, यह भी आप याद रखिएगा। ओके, अब IMF के अनुसार ग्रोथ रेट कितनी फोरकास्ट की है, माइनस में, माय डियर फ्रेंड्स, IMF ने फोरकास्ट की 4.5%, 3.1% मूडीज, राइट, 4.5% IMF एंड 4% माय डियर फ्रेंड्स ADB, 5.3% इंडिया रेटिंग्स, राइट, याद रखिएगा। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका हेडक्वार्टर आपके US में है, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा यहाँ की प्रेसिडेंट हैं, राइट, जो कि बल्गेरिया से बिलोंग करती हैं। एंड देन क्वेश्चंस और बन सकता है, गीता गोपीनाथ जो कि इंडियंस हैं, वह यहाँ पे चीफ ऑफ इकोनॉमिक है। ओके, ये कटिंग्स देख लीजिए, ये इकोनॉमिक्स टाइम्स की न्यूज है, देख सकते हैं, वित्त प्रूफ के साथ मैं क्वेश्चंस बनाता हूँ, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करना मत भूलना। ओके, रथ यात्रा ऑफ जगन्नाथ टेम्पल द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट चेरिस्ट फेस्टिवल्स हेड ऑफ विच स्टेट। आपको मालूम है जगन्नाथ का मंदिर कहाँ है, रथ यात्रा कहाँ होती है, तो नंदनगढ़, ये आपकी उड़ीसा के पुरी में, राइट, उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर होगा। मुख्यमंत्री मातृ पुष्ट उपहार योजना, मातृ पुष्ट उपहार योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई थी, तो ये शुरू की गई है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, राइट। मुख्यमंत्री मातृ पुष्ट उपहार योजना, राइट, उपहार योजना यह किस स्टेट के द्वारा शुरू की गई है, तो नंदन ये आपकी त्रिपुरा के द्वारा शुरू की गई है, त्रिपुरा इसका करेक्ट आंसर है, सॉरी फॉर दैट, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा देश FATF की ग्रे सूची में बना हुआ है, FATF की ग्रे सूची में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो कि पाकिस्तान से वह बना हुआ है, राइट। विच स्टेट पंचायत राज डिपार्टमेंट वन फर्स्ट प्राइज अंडर ई पंचायत पुरस्कार 2020 ई पंचायत पुरस्कार के बेसिस पे किसको फर्स्ट प्राइज मिला है, तो हिमाचल प्रदेश जो राज्य है उसको फर्स्ट प्राइज मिला है, राइट, पंचायत राज डिपार्टमेंट के बेसिस पे। ओके, विच इज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट, ऐसा कौन सा राज्य है जो मोर देन 50 लाख की उसकी पॉपुलेशन से यानी कि 50 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन से टीबी को कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, कौन सा ऐसा स्टेट है, तो यह स्टेट है गुजरात, गुजरात पहला ऐसा स्टेट है जो 50 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन से टीबी को कंट्रोल करने के लिए बहुत कम पेशेंट आए हैं टीवी के वहाँ पर, तो वह है गुजरात। ओके, टीवी से मानिए रेस्पेंड्स क्वेश्चन बन सकता है टीवी का, 24th ऑफ मार्च टीवी डे, राइट,
मार्च यूटीबी डे के बेसिस पे बनाया जाता है, याद रखिएगा। लगभग 14% का इंक्रीमेंट हुआ है लास्ट ईयर से, 2018 से और 2019 में टोटल 14% 14% का इंक्रीमेंट है। एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनेगा कि 2018 से 2019 में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है टीबी के रोगों में, राइट। तो लगभग 24 लाख टोटल यहाँ के पेशेंट है इंडिया में टीबी के, राइट। इंडिया की गवर्नमेंट का टारगेट है 2025 तक इनको ख़त्म करना, पूरे भारत को टीबी मुक्त करना, और ऑल ओवर वर्ल्ड्स का टारगेट है 2030 तक, यानी कि 2030 तक ये टारगेट है टीबी को ख़त्म करना। कंफ्यूज मत होइएगा, वर्ल्ड का पूछे 2030 और अपने इस भारत का पूछे 2025, ओके। किस राज्य सरकार ने कापू समुदाय की, जो वहाँ का एक कम्युनिटी है कापू समुदाय, तो वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक कपूनास्थम, राइट, कपूनेस्थम योजना लॉन्च की है। किस स्टेट ने, तो वह है आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है, याद रखिएगा। ये हिमाचल प्रदेश में डुवा लिख दिया, यहाँ पर मध्य प्रदेश का लीजिए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है आपका। आंसर्स का मतलब है क्वेश्चंस और आंसर से। आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने कपूनेस्थम योजना स्कीम्स लॉन्च की है। चीफ मिनिस्टर हैं माय डियर मिनिस्टर जगनमोहन रेड्डी, राइट। विश्वभूषण हरिश्चंद्र, राइट, यहाँ की गवर्नर है, राइट। नाडू नेडू प्रोग्राम यहाँ का है, निखा नामक ऐप यहाँ का है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का, एंड कपूनेस्थम भी यहाँ की हो गई स्कीम्स, बाकी एंड वर्चुअल पुलिस स्टेशन, जो पहला पुलिस स्टेशन है वर्चुअल, वह आपका आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का है, ओके। हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेजिडेंट मेरी लेबन क्रिकेट क्लब की, पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये बनी है क्लेयर कोनो, क्लेयर कोनोर को पहली महिला अध्यक्ष के रूप में मेरी लेबन क्रिकेट क्लब ने बनाया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहली महिला अध्यक्ष 233 सालों के बाद, एग्जाम्स में साल भी पूछ सकते हैं कि कितने सालों के बाद मेरी लेबन क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष कैले कोनोर, क्लियर कोनोर बनी है 233, याद रखिएगा यह फिगर्स भी। पहले किस कुमार संगकारा थे, अब महिला को नियुक्त किया गया है, ओके। दुनिया के पहले देश का पता लगाए जिसने टिड्डी यानी कि लोकस्ट है उसको नियंत्रण के लिए ड्रोन माउंटेन यूएलबी स्प्रे का इस्तेमाल किया है, कौन सा ऐसा स्टेट है, तो ये स्टेट आपका इंडिया। 2023 महिला विश्व कप की सह मेजबानी कौन करेगा, तो यह करेंगे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ओके। इसका आंसर मैंने कल आपको गलत बताया था, राइट, सॉरी फॉर दैट। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इसका करेक्ट आंसर है, गलत एक तरह से टाइप हो गया था, ई मैंने वहां पर टाइप कर दिया था, यहां पर एक्चुअली आपका आंसर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है, यह भी आप याद रखिएगा, ओके। लीजेंड ऑफ सुहेल देव, द किंग दैट सेव्ड इंडिया, एक पुस्तक लिखी गई है, वह किसके द्वारा है, तो यह अमीश त्रिपाठी, अमीश त्रिपाठी के द्वारा, लीजेंड ऑफ सुहेल देव, द किंग दैट सेव्ड इंडिया। नशीली दवाओं के दुरुपयोग को, अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है, जो कि 26 जून को मनाया जाता है, राइट। तो उसका विषय क्या है, तो यह है बेटर नॉलेज बेटर केयर, बेटर ज्ञान बेटर केयर बेटर देखभाल, ओके। अब क्वेश्चन है, बीएमडब्ल्यू का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, बीएमडब्ल्यू के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो वो यह बने हैं माय डियर फ्रेंड्स विक्रम भाभा, राइट, विक्रम भाभा को इसका बीएमडब्ल्यू का अध्यक्ष बनाया है। क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ ओनली फॉर रिविजन सेशन है, ये मत कहिएगा सर ऑप्शन में भी कुछ बताइए, ऑप्शन देखना है तो पिछले वीडियो यानी कि मंडे टू सैटरडे मैंने अपलोड किया है, एक ही क्लासेस 1 to 6 क्लासेस मार्क की हुई है, उसको देख लीजिएगा, एक ही पॉइंट्स आपका क्लियर हो जाएगा, ओके। गुलाबाई संगमनेरकर जो हाल ही में खबरों में थी, वह एक प्रसिद्ध क्या थी, तो वह एक फोक आर्टिस्ट थी, लाइफ टाइम थिएटर लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड इनको दिया गया है, राइट, गुलाबाई संगमनेरकर, राइट। भारतीय स्टेट बैंक की आर्थिक शाखा के अनुसार जो महामारी COVID-19 से 2021, राइट, कितनी प्रति व्यक्ति आय, राइट, PCI कम करने की संभावना, कितनी वह एक तरह से कह सकते हैं जो
इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, कितने प्रतिशत तक यह कम करेगा एसपीआई कोविड-19 को देखते हुए। तो यह पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो यह 5.4% टोटल से कम करेगा। पूरा देखिए, फिगर्स देख लीजिए, ये न्यूज है, यह फिगर्स देखिए, मैंने अलग अलग स्टेट की लिस्ट यहाँ पर बना दी है। आपको स्टेट में क्वेश्चन पूछेगा तो ये स्टेट्स के वाइज पूछ सकता है कि कितनी इसने कम की है, राइट। 20 में इतनी थी, 21 में इसने इतनी कर दी है। तो पूरा ऑल ओवर एग्रीगेट इंडिया देखें तो माइनस का 5.4% या देख सकते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस बैंक ने हुंडई मोटर के साथ ऑटो रिटेल्स विद पोर्शंस प्लेटफॉर्म क्लिक दुबई लॉन्च करने की साझेदारी की है। इस बैंक ने, तो माय डियर फ्रेंड्स, यह है एचडीएफसी बैंक ने इसके साथ लॉन्च, एक तरह से साझेदारी पार्टनरशिप टाइप किया है एचडीएफसी बैंक। ओके, और आज का सवाल अंत में, पूरा वीडियो कंप्लीट हुए, लगभग 64 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर डिस्कशन किया था हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अगर आपको बिल्ड एक्सप्लेनेशंस के साथ अच्छे से अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना, बहुत मेहनत लगती है, आप खुद देख सकते हैं। शेयर करना मत भूलना, ओके। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल्स को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन इंक्रीज हो, इस टाइप के आपको जीके के प्रिपेयर के लिए अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। ये आज का होमवर्क का क्वेश्चंस है, इस कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, और वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर एंड में मैंने जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उनका भी आपको आंसर्स देना है कमेंट बॉक्स में, ओके। तभी आप जीके अच्छा प्रिपेयर कर पाओगे। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग्स, आई होप यू आर एंजॉय द सेशंस। इफ आई एंजॉय द सेशंस तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत, बी हेल्दी बी पॉजिटिव। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।